तो फ्रेंड्स, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभम फ्यूचर पॉइंट में। हम लेकर आए हैं आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हमारे किसी भी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। कि ये क्वेश्चन फ्रेंड्स किसी न किसी परीक्षाएं में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए देरी न करते हुए फ्रेंड्स अपने पहले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दक्षिण के आलावर तथा न्यूनार क्रमशः किस देवता के उपासक थे? तो विष्णु तथा शिव के उपासक थे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण किसने करवाया था? तो सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण सुल्तान फिरोज तुगलक के द्वारा करवाया जाता है। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करके किस शहर में रखा था फ्रेंड्स? तो आगरा शहर में रखा था। ऋग्वेद में किन दो तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में ऋषभ देव और अरिष्टनेमी का उल्लेख मिलता है। ये जैन तीर्थकर हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य है? तो कापालिक संप्रदाय का प्रमुख आराध्य है भैरव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संगमकालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है? तो ये फ्रेंड्स किससे किया गया है? मेयो देवता से। किससे फ्रेंड्स? मेयो देवता से किया गया है। किस स्मृति से यह पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के चार वर्ग थे? तो फ्रेंड्स नादर स्मृति से पता चलता है कि गुप्तकालीन व्यवस्था में चार न्याय के मुख्य थे। कल्पसूत्र किसके द्वारा लिखा गया है फ्रेंड्स? तो कल्पसूत्र भद्रबाहु जैनी गुरु भद्रबाहु द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिस किस रूप में कार्य कर रहा था? तो ये बदायूं का शासक था। इल्तुतमिस बदायूं का शासक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में ब्रिटिश सम्राट के विस्तार के लिए सहायक संधि का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो लॉर्ड वेलेजली ने किया था। किसने फ्रेंड्स? लॉर्ड वेलेजली ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो की रचना खजैन उल फतुह किस शासक के संबंध में जानकारी देती है? तो अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में जानकारी देती है। अवदान कल्पना ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो क्षेमेंद्र अवदान कल्पता ग्रंथ के रचनाकार है। प्राचीनतम तमिल व्याकरण लोत सैतोल तोल कारियम किस संगम की रचित पुस्तक है? तो द्वितीय संगम की रचित पुस्तक है। गुप्त वंश के प्रथम और अंतिम शासक कौन थे? तो प्रथम था श्रीगुप्त और अंतिम था फ्रेंड्स विष्णु गुप्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महरौली स्तंभ कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? तो ये दिल्ली में स्थित है महरौली स्तंभ। हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था? तो पुष्यभूति वंश का अंतिम शासक था। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी फ्रेंड्स? तो बेबीलोन से सिकंदर की मृत्यु होती है। प्रसवसेन ने चार अश्वमेघ यज्ञ किए थे, वह किस राजवंश का था? तो फ्रेंड्स वाटक राजवंश का था। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? तो मीर बख्शी था सैनिक विभाग का प्रमुख। नेक्स्ट है, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित हुआ है? तो कंठोपनिषद से उल्लिखित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऋग्वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी कौन होता था फ्रेंड्स? तो पुरोहित कहलाता था, जो उसका सबसे बड़ा पदाधिकारी था। सिंधु पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार कब आक्रमण किया था? तो फ्रेंड्स 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर पहली बार आक्रमण करता है। हुमायूं नामा किसकी कृति है? तो फ्रेंड्स एक कृति है गुलबदन बेगम की। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी फ्रेंड्स? तो दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा फारसी थी।
पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और बृहत जातक किसकी रचनाएं हैं? तो वराह मिहिर की रचनाएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिप्रा नदी के किनारे बसा कौन सा नगर चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी थी? तो छिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा है। ठीक है फ्रेंड्स, सातवाहन वंश में सरशिक्षा के रूप में किन दो महिलाओं ने शासन लिया था, शासन किया? तो नागनिका और गौतमी। कौन फ्रेंड्स? नागनिका और गौतमी ने दो महिलाओं सातवाहन वंश की हैं जो कि शासन की थी। बौद्ध ग्रंथों में मिनेंडर को किस नाम से अभिहित किया गया है? तो मिलिंद के नाम से हम मिनेंडर को जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कला की किस शैली को ग्रीक शैली, ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? तो गांधार शैली को ग्रीक बौद्ध शैली का संज्ञा दी जाती है। देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की है? तो विशाख दत्त देवी चंद्रगुप्तम की रचना किए हैं। अर्धनारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म के किस मत में है? तो शैव मत में अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मुहम्मद गौरी को कथित रूप से आमंत्रित करने व सहायक देने के लिए किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी गई है? तो जयचंद्र कन्नौज का जो है ये शासक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन था? तो तथाकथित गुलाम वंश का शासक था। अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में हुआ था, यह कहाँ संपन्न हुआ था? फ्रेंड्स, तो कालानौर में संपन्न होता है अकबर के राज्याभिषेक का। नेक्स्ट है, जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहाँ ने किसे मुगल सम्राट घोषित किया? तो शहयार को जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहाँ ने सम्राट घोषित किया। हिंदुओं के दो प्राचीनतम महाकाव्य कौन कौन है? तो फ्रेंड्स, रामायण है और महाभारत है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? फ्रेंड्स, तो फाहियान था। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध ग्रंथों पर बौद्ध ग्रंथों पर भाष्य प्रस्तुत करने के लिए चौथी बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई थी? फ्रेंड्स, तो ये चौथी बौद्ध सभा जो है वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट है, 1175 ईस्वी में से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किया था? तो बहाउद्दीन मोहम्मद गौरी ने लगातार आक्रमण किया था। प्रसिद्ध इतिहास लेखक अलबरूनी का वास्तविक नाम क्या था? तो अबू रेहान मोहम्मद अलबरूनी की वास्तविक नाम था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? फ्रेंड्स, तो इब्राहिम लोदी, जो पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अवंतवर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स, ये भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो मराठा साम्राज्य का द्वितीय शासक जो है फ्रेंड्स, वो बाजीराव प्रथम को माना जाता है। जन क्या है फ्रेंड्स? जैन मतावलंबियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया है? तो जैन धर्म प्राकृतिक भाषा में अपनाया गया है। सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति बनने के संकेत मिलते हैं? तो कनिष्क के द्वारा बुद्ध की मूर्ति को सिक्कों पर चलाया गया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी गिरिब्रज में थी? तो मगध की राजधानी गिरिब्रज थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है? तो फ्रेंड्स, गूढ़ पुरुष के नाम से गुप्तचरों को जाना जाता है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? फ्रेंड्स, तो उज्जैन का वायसराय था। इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, क्या कहा जाता है? शरीयत कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की सहायता करने के लिए किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? तो कन्नौज का जयचंद्र को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है,
कोणार्क उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किसके शासनकाल के संरक्षण में हुआ था फ्रेंड्स? तो नरसिंह वर्मन के शासनकाल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुज्ब ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? तुर्की भाषा में बाबर ने अपनी आत्मकथा तुज्ब ए बाबरी लिखा है। मुगल काल में जासूस और गुप्त सूचनाओं के संवाहक को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो हरकारा कहा जाता है। शिवाजी को स्वतंत्र की भाव की प्रेरणा किसने प्रदान की थी? स्वतंत्र की भाव प्रेरणा तो माता जीजाबाई और गुरु रामदास के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? तो वज्जी की राजधानी वैशाली थी। स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में किया गया है? तो फ्रेंड्स मनु स्मृति में किया गया है। पाटलिपुत्र में धनवाद से मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त किस प्रदेशों को जीत चुका था फ्रेंड्स? तो सिंध और पंजाब को जीत चुका था। कण वंश की स्थापना वसुदेव ने की थी और इस वंश का अंतिम शासक कौन था फ्रेंड्स? तो कण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रुद्रदामन के शासन काल के दौरान में कौन सा स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? तो उज्जैनी शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हुआ है। स्वतंत्र राजपूत राज्य मेवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक हुआ कौन था फ्रेंड्स? तो राणा कुंभा। कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की क्या आयु थी? तो 14 वर्ष की आयु में अकबर की राज्याभिषेक होती है। नेक्स्ट है, मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक हुआ था कहाँ पर फ्रेंड्स? तो रायगढ़ का दुर्ग में मराठा साम्राज्य के शिवाजी का राज्याभिषेक होता है। किस पेशवा के समय मराठा संघ की समस्त शक्ति पेशवा के हाथों में आ जाती है? तो बाजीराव प्रथम के समय पेशवा की शक्ति क्या फ्रेंड्स? बाजीराव प्रथम के हाथों में आ जाती है। भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए अब आने वाले ब्रिटिश सम्राट जेम्स का पहला प्रतिनिधित्व तो कौन था? तो विलियम हॉकिंस था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में इस्त मरारी बंदोबस्त का सूत्रपात किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो लॉर्ड कार्नवालिस ने किया था। 1931 में महात्मा गांधी ने किस वायसराय के साथ बातचीत कर समझौता किया था? तो लॉर्ड इरविन के साथ इरविन समझौता होता है 1931 में। मेगास्थनीस की इंडिका में से किस शासक उसके दरबार शासन प्रबंधन तथा उस समय की सामाजिक अवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो ये मोरक्को का निवासी था। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल किसे माना जाता है फ्रेंड्स? तो विशाल स्नानागार को माना जाता है। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी फ्रेंड्स? तो भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना की थी। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को बृषल और कुलहीन कहा गया है? तो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को बृषल और कुलहीन कहा गया है। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 में किस विद्वान ने सफलता प्राप्त की थी फ्रेंड्स? तो जेम्स प्रिंसेप ने सफलता प्राप्त की थी। नेक्स्ट है, 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासन ने लगातार आक्रमण किया था? तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1175 से 1206 ईस्वी तक लगातार आक्रमण करता है। नेक्स्ट है,
तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी? तो जियाउद्दीन बरनी के द्वारा तारीख ए फिरोज शाही की रचना होती है। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ पर की थी? फ्रेंड्स तो फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना करता है। फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन कौन था? तो अष्टाध्यायी के नाम से भाषा शास्त्र के नाम से जाना जाता है। तो कौन है फ्रेंड्स? अष्टाध्यायी। इनकी एक पुस्तक है, उसकी नाम क्या है फ्रेंड्स? पाणिनी। क्या है? अष्टाध्यायी की पाणिनी। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ तो पहला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमारा नेक्स्ट वीडियो देख रहे हैं, बहुत से क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है, आप सबके लिए यदि वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी जय हिंद, जय भारत।